हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पके हुए केले की मिठाई। तो ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग, बिल्कुल जेली लाइक टेक्सचर है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। तो ये देखिए, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है पर फिर भी बिल्कुल सेट है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं केले की मिठाई बनाना। तो केले की मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 मीडियम साइज के केले लिए हैं। अगर आपके पास केले ज्यादा पक जाएं, जैसे कि ये पक चुके हैं, ये देखिए काफी सॉफ्ट हैं, अंदर से भी आप देख सकते हैं काफी सॉफ्ट होने लगे हैं। तो अगर इस तरह से केले पक जाएं तो फिर आप उससे इस तरह से मिठाई बना सकते हैं। तो सबसे पहले इन पके हुए केलों का पेस्ट बनाना है। तो मैंने मिक्सी का एक जार ले लिया है, इसमें इस तरह से केले छील करके डाल देंगे। इस मिठाई की सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो ये जल्दी खराब नहीं होती, आप इसे एक महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। और आमतौर पर बच्चों को ये बहुत पसंद आती है, बहुत ही झटपट बनती है ये मिठाई और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर केले डाल दिए हैं, अब हम इन्हें पीस लेंगे। केले पीस करके रेडी है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह का बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा केलों का, बिल्कुल इसी तरह का पेस्ट रेडी करना है हमें। तो अब हम केले की मिठाई बनाना शुरू करेंगे। केले की मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी में इस मिठाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 टेबल स्पून देसी घी लिया है। अभी घी को गर्म हो जाने देंगे अच्छे से। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे काजू और बादाम और इनको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बस इन्हें बहुत ज्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा फ्राई होने देना है जिससे कि ये थोड़े क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। देखिए, इनको निकाल लेंगे क्योंकि सॉफ्ट मिठाई में ये क्रंची काजू बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने इन्हें निकाल लिया है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये जो केले का पेस्ट हमने बनाया था, इसको हम इस घी में डाल देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से जार से हम इसको निकाल लेंगे। तो हम केलों को इसी तरह से घी में भून लेंगे पहले। तो देखिए, मैं इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर भून रही हूँ। बस इसे लगातार चलाते रहें, अदरवाइज ये नीचे से लगने लगेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसे नीचे से लगने ना दें। तो जब तक ये केले भून रहे हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो इस मिठाई को बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आएगी। अगर आप कस्टर्ड पाउडर नहीं यूज करना चाहते तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम सूप वगैरह में ऐड करते हैं। और इसमें डाल देंगे हम पानी। तो यहाँ पर मैं 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ, 1 कप, और ये 1/4 कप। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको साइड पर रख देंगे और जब हमें डालना होगा तो इसे अच्छे से हिला करके डालेंगे। अब हम केले का मिक्सचर जो हमने पकने के लिए रखा है उसे चेक कर लेंगे। देखिए, केले का मिक्सचर पहले से काफी गाढ़ा हो गया है। ये देखिए किस तरह से पैन की साइड्स पे छोड़ने लगा है। और इसमें अब हम चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप और 1/2 कप यानी कि कुल 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर का घोल भी डालेंगे तो उसके हिसाब से हमने मीठा ऐड किया है। अगर आपको मीठा काफ़ी कम पसंद हो तो आप 1 कप तक चीनी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद ये फिर से थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा, क्योंकि चीनी जो है वो घुलेगी तो कंसिस्टेंसी चेंज होती है। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराए नहीं, इसे बहुत ज़्यादा और नहीं पकाना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने चीनी डाली है उसके बाद हम कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर डालेंगे जिससे ये जल्दी से सेट हो जाएगा। तो चीनी पूरी तरह से घुल चुकी है, अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दिया है और इसको एक बार स्टर कर लेंगे, अच्छे तरीके से चला लेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे मिक्सचर ऐड करते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। बस ध्यान रखें कि इसको बिल्कुल भी रोकना नहीं है हमें, बस इसको इस तरह लगातार चलाते रहना है। अगर आप इसे चलाना रोक देंगे तो इसमें कस्टर्ड के लम्प्स बन जाएंगे, जो कि मिठाई को स्मूथ टेक्सचर नहीं देंगे। तो इसलिए इसे लगातार चलाते रहें। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। बस अब गैस का फ्लेम मैंने दोबारा तेज कर दिया है और इसे लगातार चलाते हुए पकाना है हमें, गाढ़ा होने तक। इस मिठाई का टेस्ट बिल्कुल यूनिक और बहुत ही अच्छा आता है, और आप यकीन मानिए, आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें अभी तक कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला है और वो वनीला फ्लेवर का है। तो इसमें ऑलरेडी बनाना और वनीला का फ्लेवर आ चुका है। ये देखिए, जैसे ही गाढ़ा होने लगेगा हम इसमें घी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। लगभग 3 टेबल स्पून के करीब घी और ऐड करूंगी मैं इसमें।
तो मैं इसमें एक एक चम्मच करके घी डालूंगी। तो ये देखिए 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, और इसको घी डालने के बाद फिर से हम चलाएंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये घी एब्जॉर्ब करने लगेगा। जैसे ही इसमें 1 टेबलस्पून घी एब्जॉर्ब कर लिया है, अब हम फिर से इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। फिर से इसको हम इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। देखिए जो हमने इसमें 2 टेबलस्पून घी डाला था वो भी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो एक और चम्मच घी हमें इसमें ऐड करना है। आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे ये शाइनी होता जा रहा है, तो हमें इसी तरह का चाहिए। थोड़ा सा और कुक करना है अभी हमें इसे। 1 बड़ा चम्मच घी और डाल दिया है मैंने यहाँ पर। इसको फिर से भूनेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए और भूनना है हमें इसे। तो ये देखिए केले का हलवे को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना शाइनी हो चुका है। बस थोड़ा सा और पकाना है, उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ कुछ बूंदे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण बच्चे खुशी से खाते हैं इसे। अभी तक कुल हमने इसमें 7 टेबलस्पून घी ऐड किया था। 1 टेबलस्पून घी हम लास्ट में और ऐड कर रहे हैं। इससे हलवा अच्छे से भुन जाएगा और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहेगा। अगर आप कराची हलवे के फैन हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो कुल जो घी यहाँ पर गया है वो है 1/2 कप। देखिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है हलवा। आप देख सकते हैं हम इसको हल्का सा चलाते हैं तो पूरा पैन में घूम रहा है। तो इसी तरह से होना चाहिए। अब हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे इनको डाल देंगे। देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है, और रखने पर इसका कलर और भी डार्क हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक ग्लास की डिश ली है, तो इसमें हम थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे। इससे बटर पेपर जो है वो आसानी से चिपक जाता है। आप इसके लिए अगर चाहें तो बटर पेपर का यूज़ करें, अदरवाइज इसी तरह से अच्छे से ग्रीस करके भी आप हलवे को सेट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर बेकिंग पेपर लगा दूंगी इसमें इस तरह से, और इसके अंदर भी हल्का सा घी लगा देंगे ताकि हलवा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा फिर। तो अब हम हलवा चेक कर लेंगे एक बार। तो ये देखिए हलवा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। तो इसको हम प्लेट में निकाल करके चेक कर लेंगे थोड़ा सा कि ये सेट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने प्लेट को पहले से ग्रीस किया हुआ है, तो ये देखिए हलवा सेट होने लगा है। अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ, बट फिर भी ये देखिए शेप ले रहा है, तो इसका मतलब ये रेडी है। ये देखिए आप जब हिलाएंगे तो इस तरह से बबल्स वाला टेक्सचर दिखने लगेगा जैसे ही हलवा रेडी होगा। तो ये बिल्कुल रेडी है और हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए इसको हम डिश में डाल देंगे। तो ये देखिए गर्मा गर्म हलवा इसमें डाल देंगे। ये देखिए किस तरह से कढ़ाई को छोड़ दिया है और हलवा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इसको हल्का सा इस तरह से हिला देंगे, स्पैचुला की हेल्प से हम इसको एक बार स्प्रेड कर देंगे। लगभग 2 घंटे लगेंगे इसको इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर सेट होने में। तो 2 घंटे के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देंगे और उसके बाद हम हलवे के पीसेस कट करेंगे। तो ये देखिए हलवा थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब इसे टच करके देखेंगे। तो ये देखिए सेट भी हो चुका है, देखने से ही पता लग रहा है। तो मैं अब इसे बाहर निकाल लूंगी क्योंकि हमने यहाँ पर पेपर लगाया था, इजीली निकल आएगा। तो ये देखिए कितना थिक और कितना अच्छा हलवा बना है। तो हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैं इसके पीसेस कट कर लूंगी, आपको कट करते हुए पता लग जाएगा कि कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हलवा बन करके रेडी हुआ है। तो ये देखिए मैंने इसके पीसेस कट कर लिए हैं, मैं आपको एक पीस पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तो इस केले की मिठाई का टेक्सचर देख सकते हैं। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है, कितना सॉफ्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो है ना बहुत इजी सी मिठाई जो 20 से 25 मिनट में बन करके रेडी हो जाती है। और आप यहाँ पर इसका टेक्सचर देख सकते हैं, मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा, जस्ट बाहर ऐसे ही सेट किया है। तो ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसी केले की मिठाई, बिल्कुल स्पॉन्जी है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बच्चों को खाने में बहुत मजा आता है इसे, और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम लगे हैं। ये देखिए मैंने केले की मिठाई को सर्व कर लिया है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह की सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी है। ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट, जिगली और बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मात्र 4 चीजों से बनी है, इसमें 5वां कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और खाना मनपसंद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी नई नई रेसिपीज के लिए देखते रहिए खाना मनपसंद। बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून, बाय।